नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय रूप से बिहार के गया शहर का एक रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में डेवलप हो रहा है। भगवान बुद्ध से जुड़ा शहर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में ही हुई थी। इसको लेकर यह स्थान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग महत्व रखता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी गया में सबसे ज्यादा आते हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी अपने पूर्वजों के तर्पण करने के लिए गया जी पहुँचते हैं। बिहार का यह शहर धार्मिक और पर्यटन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना यात्रियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो रही है। भारतीय रेलवे की ओर से इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी की ओर से इस स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर हुई अहम बैठक के बाद सीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि धार्मिक एवं पर्यटन दोनों के दृष्टिकोण से गया शहर महत्ता को देखते हुए गया के रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की योजना बनाई जा रही है। पुनर्विकास के संबंधित कार्य पूरा होने के बाद गया स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होगी। अंतिम रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद इसका रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन होगा और फिर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आरएलडी यानी कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा गया स्टेशन के पुनर्विकास के जुड़े ये कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड पर पूरे किए जाएंगे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी कहा कि चूंकि गया एक धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए इसी को केंद्र में रखते हुए गया रेलवे स्टेशन भवन का पुनर्विकास किया जाएगा। इस स्टेशन पर बस 2065 की अनुमानित यात्री संख्या के आधार पर बनाते हुए इसी के अनुसार यात्रियों की सुविधाओं का पुनर्विकास किया जाएगा। गया रेलवे स्टेशन पुनर्विकास से जुड़े आवश्यक कार्य 173 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने हैं। यात्रियों के संरक्षा, बेहतर अनुभव एवं विश्वसनीय यात्री सुविधाओं प्रदान करेगा। स्टेशन को विश्वस्तरीय रूप देते हुए स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में दिया जाएगा। अपर महाप्रबंधक अशोक कुमार ने सुझाव दिया कि पार्किंग एरिया का निर्माण या तो ग्राउंड या तो अंडरग्राउंड किया जाए या फिर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए। आइए अब जानते हैं विश्व स्तरीय गया रेलवे स्टेशन पर मिलेगी कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं। तो रेल यात्रियों के स्टेशन के आगमन एवं प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। प्रवेश और निकास द्वार ऐसे होंगे जिससे यात्रियों को भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट एवं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर एवं लिफ्ट लगाया जाएगा ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने में यात्रियों को सुविधा हो। आवश्यक यात्री सुविधाओं में खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट आदि शामिल होंगे, जिससे आम यात्रियों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा मिल सके। स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप देते हुए स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग रूप दिया जाएगा। यहाँ वेंटिलेशन आदि के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी। गया स्टेशन पर और उसके आसपास पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।